अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। यहाँ पे बारिश जो है थोड़ी देर पहले तो नहीं थी, लेकिन अचानक से बादल आया और बहुत ज़्यादा तूफान भी आया, और तूफान के बाद बहुत तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। मैंने यहाँ पे जो है वहाँ पे जलाई थी बाहर आग, लेकिन फिर बारिश की वजह से मुझे ना अंदर लेकर आनी पड़ी है। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे दोपहर का खाना, हमारा दोपहर का खाना तैयार हो रहा है और फजर इंतज़ार में खड़ी है, क्योंकि मैंने पहले भी आज लेट कर दिया इसी बादलों को देखते देखते, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे और अचानक से फिर बारिश शुरू होगी। तो आज हम जी बना रहे हैं यहाँ पे हमारे लंच रूटीन में आज बन रहा है जी मुर्गा। यहाँ पे ना हम लोग देसी मुर्गा बना रहे हैं। तो ये मैं इसको 3-4 दफ़ा उतार चुकी हूँ चूल्हे से, कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो इसलिए ना थोड़ी हमें लेट हो गई, चोकर में खपाना है। तो अभी माशाल्लाह से हमारी जो ये घास है ये भी बहुत ही प्यारी प्यारी हो चुकी है। वैसे हमने कटिंग करनी थी, मशीन हमने रखी है तो बारिश जो है वो शुरू हो गई है। जब बारिश हो जाए पानी में इसको ना कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर हमने मशीन उधर ही रख दिया है, थोड़ी सी कटिंग की है। अभी बारिश रुकेगी, मौसम अच्छा होगा, इसके जो सारा पानी ख़त्म होगा तो फिर हम इसकी ना कटिंग करेंगे। सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे निकल आया है और निकले हुए सूरज में बारिश जो है वो हो रही है। तो कहते हैं कि जब सूरज निकल आए तो अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से दुआ मांग लें, हम भी साथ में मांग लेते हैं। क्या मांगनी है कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे और जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी कुदरती आफात यहाँ पर पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, तो अल्लाह पाक जो है उनसे सबको महफूज रखे। ज़ैफ़ा ये भी आ गया है, ज़ैफ़ा भीग गया। तो ये सारे आस्ते आस्ते ना इकट्ठे हो रहे हैं लंच के लिए। तो यहाँ पर हमारे किचन का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो गया, सारा इसमें आता है हौजी में और यहाँ से फिर आगे चला जाता है। रख चल चल चलिए उधर बात हाजिए। तो जो है ना यहाँ पे सालन में मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा दही, तो जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो तभी मैं आग के उतार लूँगी। अभी हम लोग चलते हैं उधर, क्योंकि जो भाई था वो भी नहीं है जानवरों वाला, तो चेक कर लेते हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो ठीक खड़े हैं या नहीं। छोटे जानवर अक्सर जो है ना वो बाहर खड़े हैं, और जब बादल आते हैं, जब खसूसी तौर पे बादल जब गरजते हैं तो उस वक्त जो है जानवर वो डर जाते हैं, तो अपनी रस्सियाँ वगैरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए फिर उनको देखना पड़ता है कि वो ठीक हैं या नहीं। फजर लोगों ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि वो पहले से तैयार हो रहे थे कि किसी तरह अम्मी हमें बाहर जाने दे। खुश हो गए, चलो। इतनी तेज़ हवा है ना इस साइड पे, अभी गेट जो है ना लगा था फजर को, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा सोलंग पे पानी पानी हो गया, और इस साइड पे रावी वाली साइड पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है इधर। अल्लाह पाक रहम करे, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिशें आएंगी तो फिर सैलाब भी ज़्यादा है। वैसे तो फसलों के लिए ये बहुत ही अच्छी बारिशें हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो फिर वो ख़तरा की बात होती है ना। अभी माशाल्लाह से ये जो चावल की फसल है ये सारी बारिश पर ही हुई है। मैंने आपको दिखाया था जब ये लगी थी तो कैसी थी, अभी बारिश के पानी पे इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ग्रीन ग्रीन और कितना प्यारा हो गया। इधर इधर से पानी इधर आ रहा है। फजर और फाइका क्या कर रही हो? माल में जाना है आपने? ये देखें जी, इधर तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं महसूस हो रही, लेकिन यहाँ पर सारा ये वाला कीचड़ कीचड़ हो गया और पानी पानी हो गया। और उधर हमारी गोट्स, मैं ज़्यादातर इन्हीं को देखने के लिए आती हूँ, वो खड़ी हुई हैं नीचे, इनको कोई परवाह नहीं है आराम। तो यहाँ पर जो है ना, मैं नहीं गिरती, आप लोग नहीं गिरना, मैं नहीं गिरूँगी आज मैं, क्योंकि मैं आगे नहीं जाऊँगी। पहले दिन भी मैं गिर गई थी यहाँ से, लेकिन आज मैं उस साइड पर जाऊँगी नहीं कि मैं गिर जाऊँ। इस साइड पर जो है कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, और हाँ जी मैं गिर गई थी यहाँ पर, कहती है यहाँ पर डट्टी थी आप, हम वो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यानी गिरने को डट्टी बोल रहे। तो अभी जो है वो हमारी भाग भरी, वो तो आजकल एंजॉय करती रहती है, वो बाहर निकल आती है। तो अभी जो है ना सालन हमारा जो है वो तैयार हो रहा है, और बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कवर जो है इसको मैंने धोया, क्योंकि ये बाहर पड़ा हुआ था तो काफ़ी सारी आंधी आ गई जिसकी वजह से ख़राब हो गया, और अभी हम बनाएंगे रोटियाँ। तो खुद ही कुकिंग करनी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना आग से गैस से बहुत दूर रखा जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा तंग करते हैं। अभी मैं उधर गई हूँ ना तो ये यहाँ पे आ गए हैं, मैंने इनको मना भी किया है। अभी फाइका जो है वो चूल्हे से काफ़ी दूर बैठी हुई है, और उज़ैफ़ा भी काफ़ी दूर है। बस अगर वीडियो में लगता है कि बच्चे नज़दीक हैं, लेकिन हमें पता होता है वो इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं होते हैं, हम इनको हमेशा आग से दूर ही रखते हैं।
तो अभी जो है ना एक साइड से बादल जो इधर चले गए हैं, पीछे से फिर से बादल आ रहे हैं। तो एक पहले वाले बादल जाती हैं और फिर से बादल आ जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, हो सकता है कि यही हमारा दोपहर और शाम का खाना भी यही हो जाए। यहाँ पे हमारा जो है सालन वो तैयार हो गया, इसको हम उतार लेते हैं नीचे। और मैंने इसमें डालनी है जी एंड में मेथी, खुशबू के लिए मैंने इसमें मेथी डाल दी है जो फजर के बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा शोरबा बनाया है इसमें, थोड़ा सा शोरबा बनाया ताकि चल जाए। और मोहम्मद सुबान को मैंने दूर बिठाया है क्योंकि आप लोग कह रहे थे पिछली वीडियो में कि आपने उसको करीब बिठाया हुआ था, इसलिए आज मैंने ना उसको दूर बिठा दे दिया। तो अभी हम चढ़ाते हैं जी चूल्हे को, सॉरी तवे को चूल्हे पे, और जल्दी से जो है ना खाना तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो है ना सबसे पहले तो फाइका लोगों के लिए, क्योंकि फाइका का मुंह चेक करें भूख से कैसा हो गया। और इधर जो कवे हैं वो भी आ चुके हैं, आपको पता है बारिश में इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो ऐसे बैठे हुए। तो मोहम्मद सुबान को मैंने निकाल के दिए बोटी, वो अभी खा रहा है, छोटे छोटे पीस करके दिए हैं। तो मैंने कहा ये खाता रहेगा वरना ना रोने लग जाता है। तो फाइका ने खाना है जी घी वाला पराठा। ये लो ये मुझे दे दो। मैना जिनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लाली बोलते हैं, मैना उसको बोलते हैं, वो भी बार बार आवाज़ें दे रही है कि जो मैं भी आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा भी सभी को इनके लिए एक स्पेशल रोटी बनेगी जो मैं इनको डालूंगी, क्योंकि सर्दी में इनके लिए खुराक तलाश करनी बड़ी मुश्किल होती है। बारिश जो है वो फिर से रिमझिम शुरू हो चुकी है, पहले थोड़ी देर में रुक गई थी, अभी फिर से शुरू होगी क्योंकि ये जो पीछे बादल आ रहे हैं ना ये इन्होंने बरसना शुरू कर दिए। इधर लाओ पानी पीने, ये लो पानी पियो फिर बस। तो ये हो गई है जी फाइका की रोटी तैयार। अभी फाइका को देती है सालन क्योंकि उसको लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह हमारी जो है ना सालन की खुशबू तो आ रही, पता नहीं बना कैसा है। ये लो फाइका, फजर को भी बुला लो, फजर रोटी खा लो। फजर हुज़ैफ़ा भी, हुज़ैफ़ा को काफ़ी भूख लगी हुई थी ना, वो पहले इधर खड़ा रहा इंतज़ार में फिर चला गया। ये सुबह ने नहीं खाई बोटी, मैं चख लेती हूँ। अच्छा पहले खा नहीं रहा था, मैंने उठाई है तो रोने लग गए बच्चे जो हैं। ये खाना खा रहे हैं और परिंदे जो हैं वो भी काफ़ी सारे आ गए हैं, तो इनको ना साथ साथ में डालते रहेंगे। और एंड पे हमारा नंबर होता है खाने का, और पहले जो है बच्चों का और फिर परिंदों का। इनको इसलिए भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इनको डाले ना तो ये फिर बच्चों के हाथों से छीनना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इनको भी मैंने साथ में डाल दिया ना। खा के विल ले हुए बैठे। हाँ जी नमक नहीं करो सुबान, नमक ख़राब करेंगे पे। तो अभी फाइका जो फाइका ने खाना खा ली, खा रही है, खाओ खानी दो, बच्ची को कंफ्यूज मत करो। कैमरा ऊपर रख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, हम लोग भी नहीं कैमरे के सामने खाना खाते हैं तो फिर बच्चों ने क्या खाना है। उसने मुंह में डवाला जैसे लिया था वहीं पे रोक लिया मुंह अपना। अभी बारिश जो है ना वो फिर से स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो गई है। मैंने बोला था क्योंकि पीछे से जो बादल आ गए हैं ना वो आज बरसेंगे यहाँ पे आके। अभी सभी ने खाना वगैरह खा लिया है और मोहम्मद सुबान जो है ना वो यहाँ पे फ्राई पैन साफ कर रहा है। तो ये मैं जब खाना बना रही होती है ना माए तो बच्चों के यही काम होते हैं। अभी इसको मिर्ची भी लगेगी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अभी इसको खेलने दो, तो मैं फ्री होकर फिर इसके कपड़े वगैरह जो है ना वो चेंज करवाऊँगी। तो सभी ने यहीं पे चूल्हे पे बैठ के इधर उधर बैठ के खाना खा लिया, खा के जा चुके हैं और अभी आखिरी रोटी है। तो अभी जो है ना मैं खाना खाऊंगी, सर्दी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। सुभान मोहम्मद सुभान जात अल्लाह इसको, आए 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 क्या खा रही हो
मोहम्मद सुमान, तो आज किचन की हालत जो है वो बहुत ख़राब हुई हुई है। आपने इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि बारिश में ऐसे ही हो जाता है। अभी जैसे हमारे जानवरों की कंडीशन हो चुकी है, तो ऐसे ही यहाँ पर किचन की भी हालत हो चुकी है। तो हमारे पास दूसरे किचन तो होते नहीं, ऐसे ही खुले किचन होते हैं, तो फिर वो बारिश आने की वजह से ना थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, हमने अपना खाना खुना तो खा ही लिया, बना ही लिया कि किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पे रोटी होगी जो मेरी तैयार, तो अभी खाना खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी खाना वगैरह जो है वो मैंने बनाया है, सबको खाना वगैरह खिला दिया है। और खाना खाने के बाद बर्तन मैंने ऐसे छोड़ दिए, अभी नहीं वॉश किए। मैंने कहा थोड़ी देर बाद में जाके जो है ना बर्तन वॉश करती हूँ। और अभी मुझे जानवरों का काफ़ी है, क्योंकि अभी हमने तो अपना पेट भर लिया है और ये भूखे बैठे हैं। तो भाई जो है वो नहीं आया वापस, क्योंकि उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो पता नहीं अभी वो आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये मुझे काफ़ी मसला बन गया। एक तो हमें जो है लाइट भी नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से चारे की कटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी हम लोग जो है चारे की कटिंग करते हैं, ये आ चुके हैं, और जानवरों को बाइट नहीं निकालेंगे आज, अंदर ही मैं इनको चारा डाल देती हूँ। और काफ़ी जो है मसला बन गया ये वाला मेरे लिए। खाना तो हमने बना ही लिया है। बारिश जब आती है तो बारिश में अपने खाने से ज़्यादा जानवरों के खाने की जो है ना कोशिश होती है कि इनका खाना तैयार हो जाए, क्योंकि बारिश में इनके लिए खुराक लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी उधर उसकी मस्तियाँ चेक कर लें, ये भूख की वजह से ना, भूख की वजह से निडाल हो रही है। वैसे उन मसला तो कोई नहीं बने पे, चेक तो करिए की होया पे कट्टी नू हैं। पहले तो इस तरह कभी नहीं होया, मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो बस आजकल जानवरों को ऐसे हो जाता है ना, तो फिर बंदे को पता है कितना इनको इतनी मुश्किल से पालता है। अभी ये छोटी हुई थी, जब ये पैदा हुई थी मैंने उस वक्त भी दिखाया था कितनी छोटी थी। अभी हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया है, अगर इनको कुछ हो जाए तो फिर तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है ना। लेकिन वो लेट रही है, अभी इसने गोबर में लत पत हो जाना है और फिर इसको नहलाना पड़ना है। जब पहले बारिश आई ऐसे ही हो जाते, फिर सबको हम नहलाते हैं और फिर जाकर ये ठीक होते हैं। चले छोड़ें, अभी बातों को छोड़ते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। चारा सारा गीला हो गया, अभी जो है ना चारे की कटिंग करते हैं हाथों पे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मौसम को इंजॉय करें, और इंजॉय भी करें और साथ साथ में दुआ करें। माशाल्लाह से आज जो है हमारा नए साल का पहला दिन है, मुहर्रमुल हराम, यकम मुहर्रमुल हराम है। तो अल्लाह पाक जो है सबकी जो भी मुसीबतें और परेशानियां हैं वो दूर करे, और कुदरती आफात से हमें महफूज रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।